आज मुझे चाय बनानी है। नंदा बहू के हाथ की चाय पियेंगे हम, एक कप नहीं दो कप नहीं पूरे 10 कप, राय खानदान के लिए पूरे 10 कप की चाय। मैं चाय बना के बर्तन 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 का पानी चाय बनानी आती है। चाय पत्ती शक्कर, चाय पत्ती और शक्कर, चाय पत्ती और शक्कर। पहले मुझे पता था 10 कप, 2, 3, 4, 5, 10 शक्कर ऐसे थोड़े रहते हैं, ऐसे चाहिए अदरक। तुम हंस रहे हो, एक तो मैं कोशिश कर रही हूँ, तुम चाय बनी आई। ओह माय गॉड प्रिया, ये मैंने क्या कर दिया। कोई बात नहीं नंदा, तुम जल्दी से जाके चेंज कर लो, मैं बना लेती हूँ। श्योर? हाँ जाओ। वो बीच वाला पेपर देना। ए, क्या शादी के बाद तू ठीक से बात नहीं कर रहा? तू बात करता है? कर तो रहा हूं। तो मैं भी तो कर ही रहा हूँ। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहा है? शादी हो गई तेरी, मैच्योर हो गया तू, इस सीरियस बातें क्या कर रहा? हाँ दुनिया में आप है ना सीरियस बातें करने के लिए। अंकुश, कैसा चल रहा है तुम लोगों का? तुम लोगों का मतलब? मतलब तेरे और नंदा के बीच में सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक ही है, लेकिन मेरे और प्रिया के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। बहुत प्रॉब्लम है यार, अब तो डर लगने लगा है, फिक्र होने लगी है। सोचता हूँ कि हनीमून पे चला जाए, हम चारों साथ ही चलते हैं, एंजॉय भी करेंगे। सुन रहा है या ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं? हाँ? क्या कहा तुमने? कह रहा हूँ कि हनीमून पे चला जाए, चारों साथ ही चलते। तू जा यार, मैं नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हनीमून जाने से मेरे और नंदा के बीच में कुछ ज्यादा फर्क आएगा। जो है सो है। गरम चाय तैयार है। गुड मॉर्निंग राहुल दा। गुड मॉर्निंग। हैप्पी चाय। थैंक यू। हैप्पी चाय। वाह क्या चाय है, तुमने बनाई है? नंदा ये चाय तुमने बनाई है? अंदर घर में सब समझते कि ये चाय मैंने बनाई है, सच कहूँ राहुल दा ये चाय आपकी प्रिया ने बनाई है। By the way, आप दोनों कुछ खुसर-खुसर कर रहे थे ना? नहीं तो? पक्की बात है? मैं समझ रही थी कि ये दोनों बेटे हम दोनों बहू के बारे में कुछ कह रहे थे। मरना है क्या? That's better. Yeah, I'll look into it. हाँ उसके लिए श्रुति विल गेट इन टच विद यू। जी हाँ वो हैंडल कर रही है। यस यस शी इज क्वाइट एफिशिएंट। जी ठीक है, ओके या ओके। हम अंदर आ सकते हैं सर? कुछ खास काम है गोस्वामी? सुनने के बाद खास ही लग रहा है। आइए।
सर हमारी आए गोरखपुर से सर, 15 दिन की छुट्टियां बहुत खुशी से बिताई सर, लेकिन सर आज ऑफिस में आते ही सारी खुशी चौपट हो गई सर। क्यों क्या हुआ? सर ऑफिस में आते ही पता चला कि हमारी कंपनी के हाथ से 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट चला गया सर। हाँ ये बिजनेस है, कभी कभार ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता नहीं है सर, किया जाता है सर। क्या मतलब? देखिए सर, पिछले 25 सालों से हमेशा यह ठेका हमें मिलता रहा, लेकिन इस साल कुछ नए लोगों ने ज्वाइन किया और ये टेंडर अपनी कंपनी के फेवर में नहीं खुला सर। गोस्वामी साफ साफ बताओ बात क्या है। नहीं नहीं सर, हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं सर, लेकिन सच मानिए सर, हमने छुट्टी पे जाने से पहले श्रुति मैडम को किसी से फोन पर मित्तल एंड मित्तल कंपनी के ऑफिस का पता और टेलीफोन नंबर लेते हुए सुना है सर। बकवास कर रहे हो तुम श्रुति पर शक कर रहे हो? तुम्हें मालूम है उसी की वजह से हमारी कंपनी तरक्की कर रही है, हमारा टर्नओवर बढ़ गया है, उसी की वजह से काफी फाइनेंशियल लॉसेस से हम बचे हैं और तुम उसी पर शक कर रहे हो। देखिए हम किसी पे शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन पिछले 15 साल से आपका नमक खा रहे हैं, इतना तो हमारा फर्ज बनता है कि जो कुछ हमने देखा है आपको सच सच बता दें। क्या सबूत है तुम्हारे पास? यहीं आके हम कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि कानों से सुनी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा सिवा उस आदमी के जिसने खुद कानों से यह बात सुनी। ये नहीं हो सकता। देखिए हम भी चाहते हैं कि आगे से ऐसा ना हो, इसलिए आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि थोड़ा सा साथ। कैसे हैं खंडेलवाल साहब? प्रकाश जी कैसे हैं सर आप? खंडेलवाल साहब आपने जो मांगा था वो मैं ले आया। सर वो तो मैं आपको देखते ही समझ गया था। नहीं बस क्या हमसे क्या बस इसी बात की दोस्ती? आप भी ना हुजूर। ये लीजिए ना। थैंक्स। देखिए प्रकाश जी आप तो जानते हैं कि मेरा काम है इंफॉर्मेशन खोद के निकालना जी, और उसके लिए बेहद जरूरी है कि आपकी नजरें ना मुझ पे बनी रहे। खंडेलवाल साहब काम निकालना हमें भी, ये अलग बात है कि अच्छे काम की कदर करना हम चाहते हैं। ये लीजिए एडवांस। जी शुक्रिया। प्रकाश जी बस ये समझिए सर कि आपका काम हो गया, आप घर जाके आराम। खंडेलवाल साहब आपको ये काम सौंपने से पहले मुझे पता था कि मेरा काम हो जाए। बस इतना जानना चाहता हूँ कि इसमें वक्त कितना। आपको तो पता है सर कि ये काम जरा मुश्किल है, लेकिन फिर भी चार पांच। खंडेलवाल साहब हेलो। हेलो मैं श्रुति बोल रही हूँ। हाय श्रुति टेल मी तुम क्या कर रहे हो? नहीं बस एक छोटी सी मीटिंग में बिजी था। बोलो। नहीं मैं तुमसे मिलना चाहती थी, मगर तुम पहले अपना काम खत्म कर लो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बोलो कब मिलना है? आज शाम को 5:30 बजे। 6 बजे चलेगा। ओके आई विल पिक यू अप। ओके बाय बाय। प्रकाश जी सर आपका शेड्यूल बड़ा टाइट रहता है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट काम है आपके पास। लेकिन इस वक्त मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम आपका है, इसलिए ख्याल रहे। अरे हुजूर अब किसी गड़बड़ी की क्या गुंजाइश है, आप तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ओके
मेरा नंबर था आपके पास जी, खबर मिल गई। जल्दी फोन करूंगा सर। थैंक यू सर। ये क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा। कमाल की बात है, अपनी ही तो बीबी का हाथ पकड़ा है, किसी और की बीबी का थोड़ी। प्लीज छोड़िए ना, बैठो मेरे साथ नाश्ता करो। आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। बैठो ना, बाद में कब खाओगी? क्या हुआ? जी मैं अभी आती हूँ। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ आओ बैठो। प्रकाश, तुम लोगों पर भरोसा करते? जी हाँ सर, मगर सिर्फ उन लोगों पर जो भरोसे के काबिल हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलता है कि कौन भरोसे के काबिल है और कौन नहीं? सर अक्सर तो थोड़ा बहुत वक्त बिताने से ही पता चल जाता है कि आदमी भरोसे के काबिल है या नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम धोखा खा जाते हैं सर। और हमारा 500 करोड़ रुपयों का टेंडर लीक हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से चला जाता है। जी प्रकाश, हमारा वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वो मिस्टर गोस्वामी, हाँ वही, उसके मुताबिक मित्तल एंड मित्तल को शायद श्रुति ने खबर दी। ये क्या कह रहे हैं सर? ऐसा कैसे हो सकता है? श्रुति ऐसा नहीं कर सकती सर। मेरा भी यही कहना है, लेकिन वो कहता है कि उसने श्रुति को फोन पर किसी से मित्तल और मित्तल का एड्रेस लेते हुए सुना। सर उसका दिमाग खराब हो गया, आप जरा उसे पूछिए कि उसकी रंजिश क्या है श्रुति से, जो उसके खिलाफ ऐसी बातें कर रहा है। सर कल को अगर कोई आकर आपसे मेरे बारे में ऐसी बातें करे तो क्या आप मान लेंगे? तुम्हारी बात और है प्रकाश, तुम हमारे अपने, श्रुति गैर। तुम पर हम जितना विश्वास करेंगे उतना किसी और पर नहीं कर सकते। श्रुति का कैरेक्टर में बेईमानी नहीं है सर। आई नो, मेरा भी तजुर्बा यही कहता है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें, लेकिन लेकिन उन्हें नजरअंदाज भी ना करें। ठीक है सर, वैसे ही कुछ ही दिनों में मित्तल मित्तल का वो आदमी आकर हमें बता देगा कि हमारे ऑफिस में हमसे धोखा करने वाला कौन है। वो तो ठीक है, लेकिन श्रुति को थोड़ा ऑब्जर्व करो। श्योर सर। मुझे आपसे एक शिकायत है। बोलूं क्या? वो शादी के बाद आप वो नहीं रहे जो पहले थे। शादी से पहले हम जब भी मिले आपने मुझसे बातें की, हंसी मजाक किया, अपने दिल की बात कही, आपने मुझे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया साफ साफ, आपने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। लेकिन शादी के बाद मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं नहीं पूछूंगी आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं,
लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगी कि आप क्यों छुपा रहे हैं। जिससे शादी की है उसे सब कुछ शेयर करना चाहिए। आप कुछ कहेंगे नहीं अंकुश? मैं आपका इंतजार करूंगी। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। मैं उस अंकुश का इंतजार करूंगी जो मुझे शादी से पहले अचानक मिल गया था और शादी के बाद अचानक गुम हो गया। मैं इंतजार करूंगी। आंसू की तरह खारा जाया हुई कोशिशें सब मुट्ठी से फिसला पारा कांटे चुभेंगे पांव में मुश्किल पड़ेगी सहनी फिर भी निगाहों में सबकी है मंजिलें अपनी।